और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर भी नजर डालेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया उस पर भी नजर डालेंगे, और हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज देंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं, कमजोर ओपनिंग के संकेत यहां से निकल कर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 115 अंकों की गिरावट के साथ 24,870 के आसपास, और एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां से भी मिले जुले संकेत निकल कर आ रहे हैं। चीन के बाजार याद रखें पहले से 1 से 7 अक्टूबर तक बंद थे, आज फिर से एक बार खुले और शानदार तेजी चीन के बाजारों में दिखी है। लेकिन इसी के साथ हांगकांग के बाजारों की बात करें तो यहां पर थोड़ी सी गिरावट दिखी है। लेकिन ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं पूरी डिटेल्स लेकर अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर गुड मॉर्निंग, बताए कैसे संकेत है और भारतीय बाजार आज कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं यूएस मार्केट से, जहाँ पर यूएस मार्केट में हमें जो है मंडे को एक बिकवाली देखने को मिली, जहाँ पर डाउ जोन्स में जो हमें 400 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली और 1% नीचे था। इसी के साथ साथ नैसडेक एंड S&P 500 में भी हमें जो है 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, और इसके पीछे जो रीज़न है जो ऑयल प्राइस राइज हो रहे हैं और बॉन्ड यील्ड में जो तेज़ी है उसके वजह से जो हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिली। अब रुक करते हैं यूरोपियन मार्केट की, जहाँ पर यूरोपियन मार्केट में हमें जो है एक मिला जुला कारोबार देखने को मिला, जहाँ पर कैक 40 में जो है हमें 0.5% की तेज़ी देखने को मिली, वहीं FTSE 100 में जो है 0.3% की तेज़ी देखने को मिली, वहीं डैक्स में जो है हमें फ्लैट क्लोज होता हुआ नज़र आया। अब रुक करते हैं एशिया मार्केट के, जहाँ पर हमें एशिया मार्केट में निकी में जो है हमें 0.6% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है, वहीं हैंगसेंग इंडेक्स जो है 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली थी कल। इसी के साथ साथ शंघाई में जो है हमें आज 9% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं ऑयल एंड गोल्ड की, जहाँ पर ऑयल प्राइस में भी हमें जो है एक तेज़ी देखने को मिल रही है, और इसके पीछे जो रीज़न है एनालिस्ट मान रहे हैं कि इसराइल जो है ईरान के ऑयल इंडस्ट्री में अटैक कर सकता है, जिसके वजह से हमें क्रूड ऑयल में तेज़ी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड जो है $80.40 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं गोल्ड की, जहाँ पर गोल्ड में भी हमें जो है एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, और इसके पीछे जो रीज़न है मिडल ईस्ट में जो टेंशन अराइज हो रहा है और US से जो इन्फ्लेशन डेटा आ रहे हैं उसके वजह से हमें जो गोल्ड में एक तेज़ी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते सोने में तेजी दिखी है, और ब्रेंट क्रूड की बात करें तो शानदार तेजी पिछले कुछ दिनों में दिखी है जियोपॉलिटिकल टेंशन से। और याद रखें गोल्ड भी एक सेफ हेवन होता है जिसके चलते वहां पर तेजी, लेकिन ब्रेंट क्रूड की बात करें तो अक्टूबर में अब तक करीब 9.5% की तेजी दिखी है, तो कमोडिटीज में अच्छा एक्शन पिछले एक महीने में देखने को मिला है। इसी के साथ FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। DIIs ने कल करीब 13,250 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में की, लेकिन FIIs की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी बिकवाली दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस यहाँ पर भी नज़र डाल लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 8,000 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 15,350 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो याद रखें पिछले कुछ दिनों से कमजोरी दिखी है, कल भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई, और FIIs ने पिछले कुछ दिनों से बिकवाली की है, कल भी वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। लेकिन इस बीच हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे आज बाजारों की चाल कैसे रह सकती है, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताए। गुड मॉर्निंग, देखिए कल मार्केट के अंदर ना फिर से थोड़ा प्रेशर आता हुआ देखा, और प्रेशर करीब 1,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी पे था। एक्चुअली कल बाजार की ओपनिंग ऐसे नहीं थी, आपको तो याद ही है उस बीच हमने अशेषा ओपनिंग जो देखी वो करीब करीब अच्छे नोट पे थी, और बाद में एक बार तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रॉन्ग एक्शन भी देखने को मिला, लेकिन उसके बाद फिर से सेल ऑफ आया। प्रॉब्लम कहाँ है ये समझने की जरूरत है, प्रॉब्लम थोड़ा FIIs सेलिंग पर है। अगर आप 4-5 दिनों की देखेंगे मूड एंड माहौल, तो 81% से वो जो लॉन्ग पोजीशंस थी जो ऑलमोस्ट ऑन द टॉप थी, अब वो घटकर 50% से भी नीचे चली गई है। ट्रस्ट में 4 दिन के अंदर FIIs की होल्डिंग इंडिया में से करीब 40% उन्होंने इरोड किया है। इससे पहले कैश वाली सेलिंग तो चल ही रही थी जो टिल मई एंड टिल 2024 तक अभी तक करीब 40,000 करोड़ रुपए की वो कर चुके हैं। कहने का लगभग लगभग ये है कि FIIs की तरफ से जो सेलिंग हुई है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, और जो एब्जॉर्ब हो भी रही है वो हो रही है रिटेल्स की तरफ से।
रिटेल बाजार को रोक भी नहीं सकते आप। ये अगर डीआईएस की तरफ से अब्सॉर्ब हो रही होती तो आप कुछ नहीं होता, आपके 200-400 पॉइंट इधर उधर होते और मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को प्लांट कर रहा होता अच्छे से, लेकिन ये हो रहा है अब्सॉर्ब बाय द रिटेलर्स। तो ये पहला पॉइंट है। इसलिए मार्केट को जब भी आप देखते हो ना, आपको दिखता होगा स्क्रीन पर ही कि ये फ्री फॉल जैसा है, इसको मैं रोक नहीं रहा टूटने से। वो इसी वजह से है क्योंकि जब फास्ट सेलिंग आती है उसके अगेंस्ट पे स्लो बाइंग खड़ी हुई है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो मार्केट के अंदर ये है कि कल ज्यादा ओपन इंटरेस्ट के साथ शॉर्टिंग नहीं की गई। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि 1-1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट हटा दिए गए हैं सिस्टम में से, तो निफ्टी अब ऑलरेडी अपने जेन्युइन फेज में है। इसलिए ओपन इंटरेस्ट यानी कि लोगों का पार्टिसिपेशन अब खुल के नहीं आ रहा है। जो हो रहा है उस तरफ प्राइस एक्शन हो रहा है, बड़े शेयरों में हो रहा है, ये वेटेज का इंपैक्ट है। नहीं तो कल अगर आप एडवांस डिक्लाइन की रेशियो में देखेंगे वो उतनी खराब नहीं थी जितना खराब मार्केट का इंडेक्स आपको दिख रहा था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी भी बाजार के अंदर क्या रूम है। कल हमने 24,800 की बात की थी, एग्जैक्टली 795 यानी कि 24,800 पे ही मार्केट ने बंद किया। देखिए सभी एवरेजेस टूट रही है, 50 दिन के एवरेज की निफ्टी जा चुकी है, इनफैक्ट बैंक निफ्टी में तो 100 डे मूविंग एवरेज पे चला गया। अब उसके बाद सिर्फ एक ही एवरेज है जो कि 200 दिनों के एवरेज है जो 50,000 से नीचे है। अगर वो भी चला जाएगा तो हम बियर फेज में आ जाएंगे, ट्रस्ट में बियर फेज में आ जाएंगे। तो फिलहाल एक एवरेज बैंक निफ्टी की और 2 एवरेज निफ्टी की टूटना बाकी है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, इनकी अगर ये रिपेयर करने पर आता है तो आपका एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। आई रिपीट माई सेल्फ, 24,800 उसके नीचे 10-100 पॉइंट, 24,700 उसके नीचे 10-100 पॉइंट, 24,600 ये सब सपोर्ट एरिया है टिल 24,500 तक। तो आप कहीं भी अपना सपोर्ट रखो और एक पुल बैक की तैयारी करो। कल के फॉल से घबराना नहीं ज्यादा, क्योंकि कल का जो फॉल है वो टिपिकली लो वॉल्यूम के साथ क्रिएट किया गया फॉल है और ये पुल बैक भी इसी रूप में आ सकता है। तो इसलिए अभी कोई सिस्टमेटिकली गड़बड़ अभी तक तो नहीं दिख रही है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत आपको संभल कर और लैब ट्रेड्स लेने होंगे, छोटे छोटे ट्रेड लेने होंगे। बैंक निफ्टी के लेवल्स भी क्लियर करो, 50,000 का सपोर्ट है और 51,200 तक का वापस पुल बैक आ सकता है अगर आया तो। तो आप पोजिशन को थोड़ा लाइट रखना, एक दो लॉट लेने में कोई बुराई नहीं है और लेने भी चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी। पुट कॉल रेशियो वगैरह ठीक है, एफआईएस की होल्डिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से बाजार में काफी गिरावट दिखी है। डिम्पी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकाल कर आज सुबह जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बाजार पर अब विस्तार में चर्चा करने के लिए हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजित मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। अजित, गुड मॉर्निंग, बताएं आज बाजार पर रणनीति क्या बनानी चाहिए। गुड मॉर्निंग आशीषा, देखिए जिस तरीके से ये गिरावट का दौर जारी है, कल भी जो शुरुआत हुई वीक की वो इनिशियली तो आपने एक अपटिक देखा था ग्लोबल क्लूज की वजह से, बट जल्दी वो मूव फिजल आउट हो गया बिकॉज सेलिंग प्रेशर जो कि इंडेक्स मेजर में हमने देखने को मिला उसने सारे उन गेन्स को ना ही केवल यू नो इरेज किया बल्कि और प्रेशर डाला मार्केट में। तो देखिए लास्ट जो अभी हमने देखा था कि मार्केट मोर ऑफ टाइम वाइज करेक्शन करता था, इस बार प्राइस वाइज करेक्शन हो रही है और 24,750 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। इंट्राडे पे आपने पेनिट्रेट किया उसको, उसके बाद एक बाउंस देखने को मिला। सस्टेनेबिलिटी चाहिए हमको कोई भी रीबाउंड के लिए 24,750 के ऊपर। जब तक कि हम उसके नीचे हैं तब तक रिस्क बना रहेगा कि यू नो फर्दर डिक्लाइन आपको शायद देखने को मिले। और जो मेजर सपोर्ट है वो 100 EMA के पास जो कि करीब 24,350 के पास है। तो अभी सेल ऑन राइज मार्केट है ये बेसिकली, अगर आप शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। और मल्टीपल रेजिस्टेंसेज आपको फेस करने के मिलेंगे। पहला रेजिस्टेंस करीब 25,000 पे होगा, फिर उसके बाद 25,200 पे। तो अभी सेल ऑन राइज पे ही फोकस ज्यादा रखना है और वीकर सेक्टर्स जहां पे की अंडर परफॉर्मेंस चल रही है उन पे आप फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। आईटी, मेटल, फार्मा ये अभी भी कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर है तो इनको शॉर्ट करने से अवॉइड करना है आपको। बाकी स्टॉक इन सेक्टर्स और स्टॉक्स में आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख रही है। तो इसको देखते हुए जो रिकमेंडेशंस होंगी वो भी इस तरीके से ही होंगी कि यहाँ पे आपको आईटी का जो हैवी वेट है इन्फोसिस को लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाईस के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है बावजूद इसके कि मार्केट में इतना ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग है और पॉसिबिलिटी ये है कि शायद जल्दी आपको एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल जाए इसमें। तो 2050 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है इन्फोसिस में आपको देखने को मिल सकते हैं। 1870 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे REC, PFC यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिल रहे हैं तो एंटिसिपेशन ये है कि ये प्रेशर एक्सटेंड होगा। 464 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं REC में, तो स्टॉप लॉस रहेगा 520 का, यहाँ पे भी आप शॉर्ट पोजीशन के देख सकते हैं। से इन्फोसिस पर खरीदारी की राय 2,050 रुपए प्रति शेयर तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं और इसी
के साथ REC पर बिकवाली की राय है, जहां पर 464 तक के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। अजित, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर नजर डालेंगे। शरद अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे कौन से अपडेट्स आए हैं और इसी के साथ खबरों के दम पर दूसरे कौन से स्टॉक्स फोकस में हैं। जी बिल्कुल आशीषा, खबरों में जो है आप ऑफकोर्स Q2 अपडेट्स अभी भी फोकस में है। नायका, टाटा मोटर्स, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इनके ओवरऑल जो है अपडेट्स देखने मिले हैं। बात करें सबसे पहले टाटा मोटर्स की, तो इनके जो JLR के आंकड़े आए हैं वो कमज़ोर देखने मिले हैं। रिटेल सेल्स 3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरा है और जो प्रोडक्शन है वो भी इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि उनकी जो आप कह सकते हैं एल्यूमिनियम सप्लाई की डिसरप्शंस है वहाँ देखी गई है। होलसेल्स में भी गिरावट आया। हालांकि कंपनी की जो कमेंट्री आई है वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो सेकेंड हाफ है वित्त साल 2025 का, यहाँ पे अच्छी मोमेंटम या रिकवरी देखने मिल सकती है। नायका की बात करें तो यहाँ पे जो है अनुमान से बेहतर ऑपरेशनल आंकड़े आए हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू mid-20s यानी कि आप 22 से लेकर 27% तक का ग्रोथ जो है देखने मिल सकता है इस तिमाही में। ब्यूटी सेगमेंट में भी जो है अच्छी प्रदर्शन देखी गई है और ओवरऑल रिटेल बिजनेस में भी बुलिश नज़रिया बना हुआ है। फैशन की बात करें जो NSV ग्रोथ होती है, NSV ग्रोथ होता है आपका नेट सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ, ये जो है अर्ली टीन्स में हुई है, यानी कि आप कह सकते हैं लगभग 13 से लेकर 15% तक। शोभा हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा अगर ऑपरेशनल अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो है कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। सेल्स वॉल्यूम 32% गिर गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि रियलाइजेशंस के अगर आंकड़े देखें तो यहाँ पे एक अच्छी उछाल देखने मिली है, क्योंकि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन आने लगी है गुड़गांव प्रोजेक्ट से और ओवरऑल जो प्राइसिंग है वो भी बढ़ चुका है, तो उसके कारण आपको एवरेज रियलाइजेशंस अच्छे दिख रहे हैं और ये जो है सारे ही मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट कंपनीज के ऑपरेशनल अपडेट्स में ये देखा जा रहा है। कमेंट्री अगर बात करें तो गोदरेज कंज्यूमर को फोकस में रखिएगा। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, कंसोलिडेटेड बेसिस पे मिड सिंगल डिजिट INR सेल्स ग्रोथ है और वही अगर बात करें कंसोलिडेटेड एबिटडा बेसिस पे तो मिड सिंगल डिजिट यानी कि आप कह सकते हैं 3 से लेकर 7% तक का ग्रोथ जो है यहाँ पे एबिटडा में देखने मिल सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैनेजमेंट कमेंट्री क्या कहता है। पाम के जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं और टिल डेट जो है आप कह सकते हैं मार्च एंड से हाई टीन्स लगभग 17 से लेकर 19% तक का जो है ग्रोथ देखने मिल सकता है पाम के इनपुट कॉस्ट के लिए। और FMCG कंपनीज के लिए खासकर के गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में जो है एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल कंपोनेंट रहता है। मैनेजमेंट हालांकि उन्होंने कहा है कि कोई प्राइस हाइक वो पास ऑन कस्टमर्स को अभी नहीं करेंगे, अगर आगे करते भी है तो पार्ट बाई पार्ट करेंगे, स्टेप्स में करेंगे। इसके अलावा MOIL का भी जो है सेप्टेम्बर आंकड़े जो है स्ट्रॉन्ग आए, बेस्ट एवर सेप्टेम्बर सेल्स रहा और ये जो है ओवरऑल Q2 अपडेट्स देखने मिले। लेकिन कुछ खबरों वाले शेयर्स भी हैं जिस पे हमें नज़र रखनी चाहिए। सबसे पहले BL की बात करें तो 500 करोड़ का ऑर्डर जो है यहाँ पे देखने मिला है। वही महानगर गैस, यहाँ पे कंपनी लगभग 400 करोड़ इन्वेस्ट करेगी 40% स्टेक पे और वो एक JV रहने वाला है। ये JV इंटरनेशनल बैटरी कंपनी का है, याद रखिए ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। HDFC बैंक जो है अपनी 100% स्टेक की जो है डाइवेस्टमेंट करेंगी HDFC एडू वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट्स को लेके। अब इसका जो है टोटल सेल लगभग आप कह सकते हैं 190 करोड़ का रहेगा। राइट्स को लगभग $5.4 मिलियन का ऑर्डर आया है निटोको रेल होल्डिंग से। और आखिर में चर्चा वाली स्टॉक वो है ओला इलेक्ट्रिक, कल भी स्टॉक में भारी गिरावट देखने मिली और आज जो है कंपनी को शो कॉज नोटिस मिल गया है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का। 15 दिन का इनको नोटिस मिला है रिस्पॉन्स का, बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हैं। नोटिस में मेंशन किया है कि ओला ने जो है रिलायबल सर्विस नहीं दिया है अपने ग्राहकों को, तो ये एक इम्पॉर्टेंट नेगेटिव डेवलपमेंट आ रहा है। और इंटरेस्टिंगली जो हम कहते हैं ना आपके प्राइस बैंड रिवीजन, वहाँ पे ओला का प्राइस बैंड रिवीजन 10% से अब 20% बढ़ा दिया गया है, तो आज भी जो है वॉल्यूम्स और एक्शंस इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए और यहाँ पे आज मोमेंटम आ सकता है। बिल्कुल, तो शो कॉज नोटिस के चलते ओला इलेक्ट्रिक, इसके अलावा कई सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स, FMCG स्टॉक्स ऑपरेशनल अपडेट्स के दम पर फोकस में रहेंगे। इसके अलावा कई स्टॉक्स को नए ऑर्डर्स भी मिले हैं, सभी स्टॉक्स पर अपनी नज़र रखें। आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स से क्या निकल कर आ रहा है ये पूरी डिटेल्स लेकर अब हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक्स ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। गुड मॉर्निंग आशीषा, तो शुरुआत करूंगा पावर स्टॉक्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे नमूरा ने कवरेज की शुरुआत की है। टाटा पावर और JSW एनर्जी दोनों पे कवरेज की शुरुआत की गई है। टाटा पावर पे खरीदारी की सलाह, 560 रुपये का प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि करीब करीब
FY24 से 27 तक 16% के एबिटा CAGR ग्रोथ से कंपनी ग्रो करेगी और रिन्यूएबल एनर्जी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ कंपनी डिलीवर करने वाली है। JSW एनर्जी पे यहाँ पे कवरेज की शुरुआत की है, खरीदारी की सलाह 885 का प्राइस टारगेट यहाँ पे भी ये दे रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे एबिटा CAGR ग्रोथ 24 से 27 तक करीब 38% की रहने वाली है, तो बेहतर ग्रोथ के चलते दोनों ही पावर स्टॉक्स पे इन्होंने अपने कवरेज की शुरुआत की है। अब बात करते हैं स्किपर की, तो नुआमा का रिपोर्ट है, इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है, 650 के प्राइस टारगेट ये स्किपर पे दे रहे हैं। इनका कहना है कि ऑर्डर इनफ्लोज अच्छे हैं और आगे काफ़ी सारे बेनिफिट्स इस कंपनी को मिल सकते हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर के भी बेनिफिट कंपनी को मिल सकते हैं। ऑर्डर इनफ्लोज सेल्स और EPS में अगर आप देखेंगे तो FY27 तक 22%, 26% और 50% के आसपास की CAGR से ये कंपनी ग्रो कर सकती है और अपनी कैपेसिटी को भी कंपनी बढ़ा रही है, जिसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। CLSA की रिपोर्ट है, अपडेट क्या है, होल्ड से आउट परफॉर्मर का कॉल प्राइस टारगेट 2654 से बढ़ा के 3400 रुपये का कर रहे हैं। इनका कहना है कि SUV में अच्छी खासी प्रॉफिटेबल ग्रोथ है और ROEs जो है कंपनी के अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, जो कि इस कंपनी के ओवरऑल रीरेटिंग को यहाँ पे ट्रिगर करते हैं। बात करते हैं नायका की, तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवर वेट का कॉल है, प्राइस टारगेट 216 रुपये का दिया है। इनका कहना है कि Q2 जो है वहाँ पर ब्यूटी सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिली है, फैशन सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो Q1 के मुकाबले ही ग्रोथ देखने मिली है। Q2 में रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो मिड 20s में रह सकती है, ऐसा इनका कहना है। और आखिरी में आज नमूना के तरफ से इंडिया स्ट्रैटेजी आई है, इनका कहना है कि हाल फिलहाल में जो इंटरेस्ट देखने मिल रहा है हांगकांग और चाइना में, उसके चलते थोड़ा नियर टर्म रिस्क इंडिया में देखने मिल सकता है और अंडर परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो अभी भी स्टोरी इंटैक्ट है, खासकर स्ट्रक्चर और स्टोरी जो है इंडिया की वो अभी भी अट्रैक्टिव है। और यहाँ पे इनका निफ्टी का जो टारगेट है करीब 24860 का ये यहाँ पे दे रहे हैं। तो कल याद है आपको CLSA की रिपोर्ट आई थी, आज नोमुरा की तरफ से इंडिया स्ट्रैटेजी रिपोर्ट आई है। बिल्कुल, कई सारे स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे, नायका पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, इसके अलावा याद रखें पावर शेयरों में कल भी गिरावट दिखी थी और आज नोमुरा की रिपोर्ट के चलते कई सारे पावर कंपनियां भी आज फोकस में रहेगी। वरुण शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब कमोडिटी मार्केट पर नजर डाल लेते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ अखिलेश जैन जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या रणनीति बनानी चाहिए। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड पर अपनी राय दीजिए, $80 के पार ब्रेंट क्रूड निकलता हुआ जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते, यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी बनाए? वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए ब्रेंट का मेन रीजन है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर जो कंसर्न है वो काफी डीपन होते जा रहे हैं और यहाँ पर एक शार्प शूटअप हमको देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि इस मोमेंटम के साथ ही जाना चाहिए और आने वाले सत्रों में हमको यहाँ पे प्राइजेस फर्दर एक्सेलरेट होते दिखेंगे। अगर आज के सत्र की बात करें तो मुझे लगता है कि MCX वायदा यहाँ पर कोई भी करेक्शन आता है अप टू 6400-6420 के आसपास तो वहाँ पे लेने के एक उपयुक्त मौका मिलेगा। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस पेस कर सकते हैं 6350 का। मुझे लगता है आने वाले सत्रों के अंदर अराउंड 6650 से लेकर 6700 तक की रेंज भी हमको देखने को मिलेगी। हालांकि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, जो भी रिस्क प्रीमियम ड्रिवन हो रहा है ये कहीं ना कहीं इस कन्फ्लिक्ट के कारण ही है, तो स्टॉप लॉस के साथ प्ले करें बट बाइंग साइड में रहें। मुझे लगता है अभी यहाँ पे गुंजाइश है तेजी आने की। और थोड़ी सी नर्वी दिखी है, यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? आपका वॉइस क्लियर नहीं था, किसके लिए पूछ रहे हैं? गोल्ड और सिल्वर, सोने चांदी पर आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे दो चीजों को समझना पड़ेगा, स्पेशली गोल्ड की बात करें, क्रूड की बात करें या डॉलर की बात करें। जैसे मैंने कहा कि जब भी कंफ्लिक्ट होते हैं तो ये असेट क्लास सबसे ज्यादा बेनिफिट होती है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो रिस्क को रिमूव करने के लिए इन्वेस्टमेंट होता है इन असेट क्लास के अंदर होता है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड थोड़ा सा कंपेटिबली सिल्वर यहाँ पर परफॉर्म करेगा, आउट परफॉर्म तो नहीं करूंगा बट इस तरह की कंडीशंस में गोल्ड के अंदर मुझे लगता है कि बाइंग साइड में रहना चाहिए। पिछले सत्रों में हम देख रहे हैं कि गोल्ड कॉमेक्स के अंदर एक रेंज में ट्रेड करा रहा है जो 2635 से लेकर 2675 की रेंज है। मुझे लग रहा है कि प्राइजेस इसी रेंज के अंदर स्क्वीज रहेंगे बट ये अभी अपने निचले स्तर पर है, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह है, आप यहाँ पे खरीद का काम करें। 2635 के ऊपर स्पॉट गोल्ड जब तक बना हुआ है, मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 2665
75 की रेंज तक वापस से देखने को मिलने चाहिए। वहीं एमसीएक्स की बात करें तो 75,950 एक अच्छा उपयुक्त लेवल होगा, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 75,825 का इसमें स्टॉप लॉस है, टारगेट छोटे ही रखें, 76,200-300 की रेंज में मुझे लगता है कि गोल्ड में टारगेट देखने को मिलना चाहिए। वहीं सिल्वर में देखा तो देखें तो यहाँ पे मुझे लगता है कॉन्ट्रा कॉल थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्योंकि सिल्वर को यहाँ पे ऐसा कोई डायरेक्ट बेनिफिट मिलते नहीं लगता मुझे। और डॉलर इंडेक्स भी हम देखेंगे तो पिछले 2-3 दिनों से काफी यू नो बुलिश टोन में काम करा रहा है, तो ऊपरी स्तरों पे मुझे लगता है सिल्वर को सेल करना चाहिए। 92,600-700 की रेंज में सिल्वर मिलता है तो वहां पर आप सेल की रणनीति रख सकते हैं। 93,000 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं, मुझे लगता है कि 92,000 और अगर 92,000 के लेवल्स अगर यहाँ पे ब्रिज होते देखते हैं तो यहाँ पे 90,500 तक के भी लक्ष्य देखने को मिलने चाहिए 2 दिन के अंदर। तो सिल्वर में सेल ऑन राइज बट गोल्ड में निचले स्तर पे बाइंग की सलाह है। बिल्कुल, तो सोने में खरीदारी की सलाह लेकिन सिल्वर में बिकवाली की राय इन लेवल्स पर। अखिलेश बहुत बहुत शुक्रिया पूरी रणनीति कमोडिटी मार्केट में हमें बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं बाजार में लगातार गिरावट पर। गोल्डिलॉक्स के गौतम शाह ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बाजार के फंडामेंटल्स कमजोर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि निवेश के लिए आईटी और मेटल सेक्टर में बेहतर मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेटल सेक्टर में यहां से अगले एक साल में 25% का रिटर्न मिल सकता है। आइए आपको सुनाते हैं। चैलेंजिंग मार्केट एनवायरनमेंट में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको वहीं रहना है जहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, और मेटल्स और आईटी में मेरे हिसाब से अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। मेटल्स में हम यहां से 25% की तेजी देख रहे हैं अगर किसी का 12 से 15 महीने का व्यू है तो, और उसमें नई ब्रेकआउट आई है, फंडामेंटल टेलवेंड भी है। जैसे आपने ठीक कहा, चाइना का जो कमेंट्स आए हैं, चाइना का जो रीओपनिंग ट्रेड है उसके कारण मेटल स्टॉक्स ग्लोबली विल डू वेरी वेल एंड बेस मेटल प्राइसेस विल डू वेरी वेल ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो दैट्स वन पॉकेट जहां पर कमिटमेंट कीजिए, और वहां पर देखिए वैल्यूएशंस आउट ऑफ वैक नहीं है। अगर आप जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडालको को देखिए, हिंडालको एक 15-16 पी पे मिल रहा है, और आजकल के जमाने में रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स और पीएस कितने पीएसयू स्टॉक्स है जो 50-60-70 पी पे जस्टिफाई हो रहे हैं, तो आप हिंडालको 15 पी में क्यों नहीं खरीदेंगे। इट्स अ वेरी बेसिक लॉजिक, नो रिकमेंडेशन हियर बट जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। बट आपने केमिकल्स के बारे में कहा, केमिकल्स 2.5 साल के अंडर परफॉर्मेंस से निकल रहा है। केमिकल्स भी हमें सेलेक्टिवली अच्छा लगता है बट ओवरऑल बेसिस पे अभी भी कोई ट्रेंड प्रॉपर बना नहीं है। अब जैसे वहां पीआई इंडस्ट्रीज को देखिए, दीपक नाइट्रेट को देखिए, तिरुमलाई केमिकल्स को देखिए, ये सब अच्छे चार्ट्स हैं। तो केमिकल्स में आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए बट नॉट द एंटायर बास्केट।